आज दोस्तों हम ढाबे या रेस्टोरेंट वाली इस ग्रेवी के साथ मिक्स वेज की सब्जी बनाएंगे। इस ग्रेवी से जो मिक्स वेज की सब्जी बनती है उसका जो स्वाद है वो घर की मिक्स वेज से काफी हटके होता है, क्योंकि ये ग्रेवी ढाबे पर ही बनाई जाती है और घर पे से हम बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। इसीलिए इस ग्रेवी के साथ आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे वो घर की रेसिपी से काफी हटके बनती है। ये ऑल पर्पज ग्रेवी होती है और इजिली इसे घर पे नहीं बनाया जाता है। वैसे बनाना इसको बहुत सिंपल है। चलिए तो इस रेसिपी में आप देख ही लेंगे कि ये ग्रेवी कैसे बनाई जाती है और कितनी सिंपल है। और ये रही हमारी मिक्स वेज की सब्जी और इसमें सिर्फ इस ग्रेवी का यूज हुआ है, इसीलिए ये आपको देखने में बिल्कुल हटके लग रही होगी, क्योंकि घर वाली जो मिक्स वेज होती है उसमें तो सिर्फ मसाले डाल दिए जाते हैं और इसमें डाली जाती है ग्रेवी। उम्मीद है कि मेरी ये ढाबे या रेस्टोरेंट वाली मिक्स वेज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चलिए तो बिना देरी किए हुए ढाबे वाली मिक्स वेज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम ग्रेवी से करेंगे। मैंने यहाँ पर भारी तले का एक लगन लिया है। जब भी आप इस तरीके की ग्रेवी बनाए तो उसका जो तला है वो भारी होना चाहिए, नहीं तो जो आपकी ग्रेवी है बिल्कुल ढाबे या रेस्टोरेंट जैसी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आप जब भी इस ग्रेवी को बनाए तला भारी होना चाहिए या पूरा का पूरा बर्तन ही भारी होना चाहिए। और अब इसमें डाल देंगे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल लगभग 300 ml जितना। अब तेल को गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, इसी के साथ 20-22 काली मिर्च और लगभग 4 लौंग, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और इसी के साथ 2 छोटी इलायची और थोड़ी सी जावित्री। इन्हें थोड़ा सा चटक जाने देंगे। मसाले हल्के से चटक चुके हैं तो अब डाल देंगे जीरा लगभग आधा टेबल स्पून जितना। जीरे को हल्का सा भून लेंगे। अब जीरा हमारा हल्का सा भून चुका है तो इसमें डाल देंगे हम प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ध्यान रखना है प्याज को बिल्कुल इसी तरीके से काटना है, नहीं तो जो आपकी ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी जिस तरीके से ढाबे या रेस्टोरेंट पर बनाई जाती है। तो छोटी छोटी चीजें आप जरूर ध्यान रखें। अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है गैस की फ्लेम ना तो हाई रखनी है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो। मीडियम फ्लेम पर भूनिएगा तभी जो प्याज और मसालों का फ्लेवर है वो अच्छी तरीके से ग्रेवी में आएगा। अब हमारा प्याज लगभग भुनने वाला है, फिर भी इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से प्याज भुन जाएगा उतनी ही टेस्टी आपकी ग्रेवी लगेगी। बस ध्यान रखना है कि प्याज जले नहीं तो जो हमारी ग्रेवी है वो हल्की सी कड़वी हो जाएगी। तो इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं भूनना है और बहुत कम भी नहीं। अब हमारा प्याज भुन चुका है, मैं आपको पास से भी दिखा देता हूँ। बस इतना ही प्याज भुनना है। अब डाल देंगे इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी लगभग 2 से 2.5 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी भुनते भुनते 2 मिनट हो चुका है तो अब डाल देंगे इसमें चॉप किया हुआ टमाटर। मैंने यहाँ पर लगभग 700 ग्राम जितने टमाटर लिए हैं और लगभग 1 किलोग्राम जितना प्याज, तो सेम यही क्वांटिटी आप रखें, कम ज्यादा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप 500 ग्राम प्याज ले रहे हैं तो लगभग 350 ग्राम टमाटर समझ लीजिएगा और 1 चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, 150 ग्राम जितना रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। बस जो इसमें इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है वो बिल्कुल सही क्वांटिटी में होता है, तभी ये ग्रेवी ढाबे या रेस्टोरेंट जैसी एकदम से परफेक्ट बनती है। और अब इसमें डालेंगे 1.5 टेबल स्पून जितना नमक। नमक पहले ही डाल दें ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो आसानी से पक जाएं। अब हमारे टमाटर लगभग पकने वाले हैं, देख सकते हैं पूरी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। बस इसी स्टेज पर डालेंगे थोड़े से हम पिसे हुए मसाले। तो मसालों में लेंगे हल्दी पाउडर लगभग आधा टेबल स्पून जितना, इसी के साथ 1.5 टेबल स्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अभी सिर्फ हम 2 ही मसाले डालेंगे, बाकी के जब हम मिक्स वेज की सब्जी बनाएंगे उसमें डालेंगे। मसालों को भी हम 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे। लगभग 1.5 मिनट हो चुका है तो अब इसमें डालेंगे काजू और मगज के बीज का पेस्ट। मैंने यहाँ पर लगभग 40 ग्राम जितने काजू और 20 ग्राम जितने मगज के बीज यानी कि तरबूज के बीज लिए हैं। अब इसे लगभग हम 4 मिनट भूनेंगे। 4 मिनट हो चुका है, लीजिए हमारा मसाला तो बनके तैयार हो चुका है। तो अब इससे बनाएंगे हम मिक्स वेज की सब्जी। और हाँ, इसके ऊपर जो आपको रोगन दिख रहा है इसे हम थोड़ा सा निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम मिक्स वेज की सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे तो उसमें तेल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए इससे निकाल लेंगे हम रोगन और उस रोगन से आप बहुत सारी सब्जियों में तड़का लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी ढाबा स्टाइल कड़ी पकौड़ा हो गई या आपकी दाल फ्राई या कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी हो गई। उन सारी सारी ग्रेवी वाली सब्जियों में आप रोगन का यूज कर सकते हैं। वैसे भी जितने भी ढाबे या रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो इस रोगन का ही प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा हम रोगन भी निकाल लेंगे, लगभग 150 ग्राम जितना निकाल लेंगे। फिलहाल ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल वाला मसाला बनके हमारा तैयार हो चुका है। तो अब बना लेते हैं मिक्स वेज की सब्जी। तो इसके लिए फिर से एक लगन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच जितना रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। अब तेल को हम हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें डाल देंगे जीरा लगभग आधा टेबल स्पून जितना, इसी के साथ इस तरीके से स्लाइस में कटा हुआ प्याज लगभग 1 बड़े साइज का, इसको हम सिर्फ थोड़ा सा भूनेंगे। इसी के साथ इसमें डालेंगे इस तरीके से कटी हुई हरी मिर्च लगभग 12 से 13 और लगभग 10 साबुत लहसुन की कलियां और थोड़े से अदरक के लच्छे। मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और उसी से ये लच्छे बना लिए, आसानी से चाकू की सहायता से बन जाते हैं। अब प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है प्याज को जलाना नहीं है, ना ही गोल्डन ब्राउन और ना ही ब्राउन करना है और ना ही लाइट ब्राउन, बस इसी तरीके का रखना है। और अब इसमें डाल देंगे हम सब्जियां। सब्जियों में सबसे पहले डालेंगे हम आलू लगभग 3 मीडियम साइज के। आलू को हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से भून लेंगे, इससे जो हमारे आलू का स्वाद काफी बढ़ जाता है। लगभग 2 मिनट हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम
150 ग्राम जितने परवल इस तरीके से कटे हुए, इसी के साथ एक बड़ी साइज की शिमला मिर्च, इसे हमने इस तरीके से काट लिया था, और लगभग 150 ग्राम ही कुंदरू, इसी के साथ 200 ग्राम जितनी भिंडी, भिंडी को मैंने इस तरीके से काट लिया था, इसी के साथ 150 ग्राम जितनी लोबिया मैंने इस तरीके से इसे भी काट लिया था थोड़ा सा बड़ा बड़ा, और अब डालेंगे एक बैगन जिसे मैंने इस तरीके से काट लिया था, और अब इनको हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लेंगे। जी हाँ, अभी हम हाई फ्लेम करेंगे और जब इसे ढक के रखेंगे तो बिल्कुल स्लो कर देंगे, और चूंकि लगन हमारा भारी तले का है तो सब्जियां बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी, इसीलिए जब भी आप मिक्स वेज की सब्जी बनाएं तो आप कढ़ाई या कोई भी बर्तन लें लगभग भारी तले का ही होना चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। 2 मिनट हो चुका है सब्जियों को हाई फ्लेम पर भूनते भूनते, तो अब इसमें डालेंगे कुछ हम पिसे हुए मसाले। मसालों में लेंगे 1 टेबल स्पून जितनी धनिया पाउडर, लगभग उसी क्वांटिटी में लेंगे गरम मसाला, इसी के साथ इसे स्पाइसी करने के लिए 3/4 टेबल स्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ हल्दी पाउडर लगभग 1/2 टेबल स्पून जितना, और अब डाल देंगे नमक लगभग 1/4 टेबल स्पून जितना। यहाँ पर आप पिसे मसालों की क्वांटिटी उसी हिसाब से रखिएगा जिस हिसाब से मैंने सब्जियां डाली हैं। अब इन सारी सब्जियों को हम एक सा कर लेंगे और अब इसे ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर लगभग 10 से 12 मिनट। फिर इसे हम बीच में खोलकर चेक कर लेंगे और फिर इसे ढक देंगे। लगभग 12 मिनट हो चुका है तो अब सब्जियों को खोलकर फिर से हम चेक कर लेते हैं। अब जो हमारी सब्जियां हैं इन्हें हम फिर से चला लेते हैं ताकि ये तले में बिल्कुल भी ना चिपके। अब इन सारी सब्जियों को हम एक सा कर लेंगे और इसे ढक के ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 6 से 7 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। लगभग 6 मिनट हो चुका है तो इसे फिर से खोलकर चेक कर लेते हैं। लगभग सब्जी तो हमारी बनने वाली है, इसे हम एक बार चला लेते हैं और यहाँ पर हम एक आलू उठाकर चेक कर लेते हैं। बस आलू पक गए तो सब्जी पक गई। लीजिए भाई, आलू तो हमारा पक चुका है, थोड़ी सी कमी रह गई। खैर कोई बात नहीं, इसी स्टेज पर हम 2 लाल लाल कटे हुए टमाटर डाल देंगे और अब फिर से इसे ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुका है, टमाटर भी हमारे हल्के से पक चुके हैं। टमाटरों को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सा ही पकाना है। ये हल्के हल्के साबुत रहेंगे तो टेस्ट काफी अच्छा आएगा। और अब इसमें डालेंगे हम मसाला। मैंने पूरा मसाला नहीं डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। तो आप समझ सकते हैं जो मैंने ग्रेवी बनाई थी यानी कि मसाला तैयार किया था उसका 3 हिस्सा मैंने इसमें यूज किया है और लगभग 1 हिस्सा मैंने बचा लिया है। उसकी कोई हम और सब्जी बनाएंगे। वैसे भी उस मसाले को आप फ्रिज में रखकर 5 से 6 दिन बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, और जब भी आपके यहाँ मेहमान आने को तो बस आप इस तरीके से मसाला निकालें और फटाफट मिक्स वेज या कोई भी ढाबा स्टाइल सब्जी बना लें। बहुत ही जल्दी बन जाएगी घर पे और ज्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल मिक्स वेज की सब्जी तो बनके तैयार हो चुकी है, तो अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। लीजिए बनके तैयार है ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी, वो भी गर्मियों वाली। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें और उसके बगल का जो घंटा है यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके की नई नई रेसिपियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और हमारी इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से थैंक यू।